अस्सलाम वालेकुम। हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, टेंथ का, क्लास टेंथ का केमिस्ट्री का। आज उसमें हमारे पास रिएक्शन है हैलोजिनेशन। अल्कीन के रिएक्शन में पहला रिएक्शन है हमारे पास हैलोजिनेशन। इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हैलोजिनेशन का क्या मतलब है? सबसे पहले ना हमने देखना यह है कि अल्कीन जो है वो रिएक्शन कौन से देते हैं। अल्कीन्स जो हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अल्कीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन को उर्दू में कहते हैं तबादले के रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि अल्कीन के पास तो सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो उस वजह से ये क्या करता है, अपना हाइड्रोजन एटम उतारता है और किसी और एटम को अपने साथ अटैच करता है, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी बात हमने हैलोजिनेशन में पढ़नी है। तो अगर हम डिफाइन करें इसकी, तो डिफाइन हम कर सकते हैं द रिप्लेसमेंट ऑफ, रिप्लेसमेंट मतलब किसी की जगह पे आना, उतार के उसको कोई और चीज अटैच करना, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम एच एटम ऑफ अल्केन विद सम अदर एटम। Like, जैसे हम हेलोजिनेशन पढ़ रहे हैं तो यहां पे हम लिख देते हैं लाइक हेलोजन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर जब हम हेलोजन लिख देंगे तो फिर हम लिख देंगे हेलोजिनेशन। वैसे सब्स्टिट्यूशन पूछे तो आपने कहना है कि अल्कीन का हाइड्रोजन की जगह पे कोई और एटम आ जाना उसको रिप्लेस करके, तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, ये बात एमसीक्यूज में भी है कि अल्केन के जो है रिएक्शंस कौन से हैं। नंबर वन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन की खास निशानी है। जो खास निशानी या खास रिएक्शन है अल्केन के, वो यही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब रिएक्शन होगा कैसे? सपोज हमारे पास, जैसे हमारी बुक के मुताबिक मीथेन है CH4। अब यहां पर रिएक्शन अगर हम करना चाहते हैं तो तीन सिचुएशंस के हिसाब से मैं रिएक्शन लिखने लगा हूं। नंबर वन, मीथेन का अगर मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता हूं Cl2 के साथ, और यहां पर डार्कनेस है, डार्क अंधेरा है, रोशनी नहीं है, मीथेन प्लस क्लोरीन और डार्कनेस है, तो याद रखें बच्चे रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्लोरीन और मीथेन आपस में रिएक्शन ही नहीं करेंगे, अंधेरे में रिएक्शन इनका नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम ब्राइट लाइट में इसको ले आते हैं Cl2 को, और यहां पे क्या आ जाता है जी, ब्राइट लाइट आ जाती है, तेज लाइट है सूरज की, सनलाइट तेज है, डायरेक्ट लाइट है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा, यहां से सारे हाइड्रोजन और यहां से क्लोरीन, यहां पे दो हैं वैसे क्लोरीन और यहां पे हाइड्रोजन चार हैं, तो यहां पे दो से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बैलेंस कर देते हैं, तो होगा क्या, चारों के चारों हाइड्रोजन निकलेंगे और इन क्लोरीन से मिल जाएंगे और 4HCl प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन ब्लैक। और ये रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव होगा, बहुत स्पीड के साथ, एनर्जी के लिहाज से बहुत तेज होगा, हाई एक्सोथर्मिक कह सकते हैं आप। अब इस सिचुएशन में सिर्फ हमारे पास कार्बन ब्लैक बनेगा, बाकी सारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को क्लोरीन वाले के साथ इसको हम रिएक्शन करवाएं लेकिन डिफ्यूज्ड सनलाइट में, मध्यम सूरज की रोशनी, डिफ्यूज्ड सनलाइट या इनडायरेक्ट सनलाइट भी हम कह सकते हैं, कि डायरेक्ट रोशनी नहीं आ रही, थोड़ी सी रोशनी आ रही है, डिफ्यूज मध्यम हल्की हल्की सी, तो फिर रिएक्शन होगा सीरीज ऑफ स्टेप्स में, सीरीज ऑफ स्टेप्स में। हर स्टेप में क्या होगा, हर स्टेप में हाइड्रोजन एटम जो है रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस विद हैलोजन एटम, रिप्लेस विद हैलोजन एटम के साथ रिप्लेस हो जाएगा। कैसे होता है ये अभी हम करके देखते हैं, ये वाला, तो ये बहुत ही आसान है। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए इस तरह लिख रहा हूं, कार्बन और इसके चार, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, मीथेन, ठीक हो गया। अब इसका रिएक्शन है Cl2 के साथ, Cl2 को भी मैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिख रहा हूं, और यहां पर क्या है हमारे पास, डिफ्यूज्ड सनलाइट, ये मेंशन जरूर करना है आपने, डिफ्यूज्ड सनलाइट, सूरज की रोशनी आ रही है लेकिन वो डिफ्यूज्ड है, कम रोशनी में रिएक्शन हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपने देखते जाना है कि
यहां से क्लोरीन उठेगा हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा और हाइड्रोजन उठ के यहां पे क्लोरीन की जगह पे आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, दोनों ने अपनी जगह चेंज की है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये हाइड्रोजन जो है जब यहां पर आएगा तो ये हमारे पास आ गया हाइड्रोजन और उसके सामने क्लोरीन, तो ये बन जाएगा HCl प्लस, बाकी एक कार्बन उसके साथ तीन हाइड्रोजन तो वैसे ही लगे हुए हैं तो वो हम वैसे ही लगे रहने देंगे। यहां पर तीन हाइड्रोजन आ गए, एक हाइड्रोजन जो यहां से गया है उसकी जगह पे कौन आ गया, यहां पर आ गया क्लोरीन। तो ये हमारे पास पहला प्रोडक्ट बन जाता है। अगले स्टेप में क्या होगा, इसी को उठा के हम इधर ले आते हैं, इसी को उठा के यहां पर ले आए और ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन। फिर वही स्टेप, आपने क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन और डिफ्यूज्ड सनलाइट, डिफ्यूज्ड सनलाइट में रिएक्शन होगा। अब डिफ्यूज सनलाइट में रिएक्शन होगा यहां पर, अब ये क्लोरीन तो पहले से मौजूद है, यहां पर क्या होगा, यहां पर आ जाएगा ये वाली सिचुएशन, इस हाइड्रोजन की जगह पे ये क्लोरीन आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इस जगह पे आ जाएगा। यहां पर दोबारा क्या बन जाएगा, HCl, यहां पर एक फिर HCl बन जाएगा प्लस, मतलब ये हाइड्रोजन निकला यहां से, इसकी जगह पे ये वाला क्लोरीन आ जाएगा। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन ये पहले से मौजूद है, यहां पर जो हाइड्रोजन था उसकी जगह पे क्लोरीन आ गया, बाकी दो हाइड्रोजन वैसे मौजूद हैं वो हम वैसे लिख देंगे। अब ये हमारे पास सेकंड प्रोडक्ट आ गया। अब इसको उठा के फिर इधर लेके आते हैं, कार्बन क्लोरीन, दो क्लोरीन तो पहले से मौजूद हैं और ये दो हाइड्रोजन रह गए प्लस, इसका हम फिर क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं और ये डिफ्यूज सनलाइट, सूरज की रोशनी मौजूद है लेकिन कम मिकदार में। अब यहां पर क्या होगा, यहां से सिंगल ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन ये मिल जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, HCl प्लस, जो क्लोरीन बच गया है वो आके यहां पे अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास कार्बन क्लोरीन क्लोरीन, ये हाइड्रोजन जो निकला है उसकी जगह पे ये वाला क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा, इधर क्लोरीन आ गया और यहां पर एक हाइड्रोजन रह गया। अगले स्टेप में ये वाली चीज फिर इधर ले आए, तो हमारे पास ये कार्बन है उसके साथ तीन क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन रह चुका है प्लस क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन और ये डिफ्यूज्ड सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट मौजूद है। अब एक जो हाइड्रोजन रहता है उसको हमने रिप्लेस कर देना है क्लोरीन के साथ। अब यहां से ये हाइड्रोजन उतर जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा क्लोरीन। यहां पर हर कार्बन के साथ इस वक्त जो है वो चार 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 क्लोरीन आ गए हैं और ये वाला हाइड्रोजन इस जगह पे आ गया है और इसके नतीजे में हमारे पास HCl बन गया। तो हर स्टेप में सिर्फ क्या करना है, आपने एक क्लोरीन लगा देना है और वहां से एक हाइड्रोजन हटा देना है, जहां पर आपने हाइड्रोजन जहां से उतारा है उसकी जगह पे क्लोरीन। तो प्रोडक्ट में आपके पास HCl HCl हर जगह पे बनेगा और हर स्टेप में सिर्फ क्या करना है, एक एक हाइड्रोजन हटाते जाना है, उसकी जगह पे एक क्लोरीन लगाते जाना है। उसके बाद इनका ना नाम लिख देते हैं जो ए पेपर में आ जाते हैं बार दफा। इसका नाम है क्लोरो मीथेन। ऐसा नाम क्यों है, क्लोरोमीन क्लोरीन लगा हुआ है और ये जो कंपाउंड है ये कहां से बना है, क्लोरीन से बना है, तो इस वजह से नाम के साथ मीथेन आता है। पेरेंट नाम साथ लिखना जरूरी है यहां पर। और यहां पे दो क्लोरीन हो गए तो इसका नाम है डाइक्लोरो, मतलब दो क्लोरीन मीथेन, मतलब ये भी कहां से बना था, बेसिकली मीथेन से ही बना है। और ये क्या है हमारे पास, ट्राई क्लोरो मीथेन, ट्राई क्लोरो मीथेन। इसका सबसे कॉमन नाम जो है ना वो है क्लोरोफॉर्म, कॉमन नेम इसका है क्लोरोफॉर्म। और अगर आप अपने पास पेपर में देखें तो ये बहुत दफा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इसका फॉर्मूला बहुत दफा पेपर में आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और एमसीक्यूज के लिहाज से भी। और उसके बाद ये है हमारे पास टेट्रा क्लोरो मीथेन, मतलब मीथेन जो कार्बन वन है उसके साथ चार क्लोरीन लगे हुए हैं, मतलब हाइड्रोजन सारे उतर गए। या फिर इसको एक और नाम भी देते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी आपने सुना हुआ है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी इसको कहा जाता है। अब आपकी बुक में ना यहाँ पे इकट्ठा ही लिखा हुआ है, ये CH4 लिखा हुआ है और इसको CH3 CL लिखा हुआ है। चलो मैं एक मिनट में ना
जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ना, रिएक्शन में वैसा भी लिख देता हूँ। ये लिखा हुआ है आपके पास CH4+Cl2 और ये आ गया डिफ्यूज सनलाइट, ये आ जाएगा आपके पास डिफ्यूज सनलाइट, और यहां पे आ जाएगा CH3Cl+ क्या बन जाएगा आपके पास HCl। अगले स्टेप में वो वाला जो CH3 है यहां पे आ जाएगा CH3Cl+Cl2 और डिफ्यूज सनलाइट, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा, आप लिख लेंगे खुद ही, और ये CH2Cl2 बन गया। इसको उठा के इधर लेके आते हैं, चल मैं यहां पे लिख देता हूं CH2Cl2+Cl2, इसके नतीजे में CHCl3+HCl बन जाता है, और लास्ट में CHCl3+Cl2, इसके नतीजे में CCl4+HCl बन जाता है। अब अगर जैसा मैंने पहले लिखा था वैसे ही आपको समझ आ गया तो आप पेपर में वैसे ही लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। या फिर आप अपने अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर आप अपनी बुक के लिहाज से जैसे एक एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाते जाएंगे तो वैसे भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।